मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा में एक ऐसा भी गांव है जहां पर सरकारी अस्पताल तो काफी समय पहले बन गया, लेकिन उसमें आज तक डॉक्टर नहीं पहुंचे। हम बात कर रहे हैं ग्राम प्रधान मोहम्मद अली के ग्राम पंचायत बोबदवाला की, जिसमें सरकारी अस्पताल सफेद हाथी के रूप में खड़ा होकर भी अपनी हालत पर खुद आंसू बहा रहा है। लेकिन सरकार यहां बने अस्पताल में एक चिकित्सक भी तैनात नहीं कर रही। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो यहां पर बना कागजी अस्पताल होते हुए भी ना के बराबर है। तो वहीं अगर पंचायत घर की बात करें तो यहां वो भी मयस्सर नहीं है। अगर सरकार यहां के अस्पताल पर एक चिकित्सक या एक फार्मासिस्ट तैनात कर दे तो सरकारी धन से बना ये अस्पताल गुलजार हो सकता है। अब्दुल खालिक प्रधान जी बिल्कुल निष्पक्ष काम कराते हैं और जितना भी पैसा योजना का आता है वो उसी योजना में लगाते हैं, काम सही कर रहे हैं बिल्कुल। मेरा नाम गुलशन जहां, बहुत बाले के रहने वाली, मकान रहने को ना था, कॉलोनी का मकान बना हुआ है, प्रधान जी ने बनवाया है। प्रधान जी ने बतेरी सहायता कर रहे गांव वालों को, गरीब आदमियों को बतेरी सहायता दे रहे, सही काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं ताहिर हुसैन ग्राम बोबदवाला से बोल रहा हूँ और प्रधान जी का भतीजा हूँ। और जितना भी पैसा यहाँ पर आता है हम सभी मिलजुल करके सभी लगाते हैं, और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और ग्राम बोबदवाला में अच्छी तरह से क्या बोलते हैं साफ सफाई हो और काम हो। मेरी गुजारिश है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ करके कि वो ग्राम बोबदवाला को थोड़ा देखें, वो देख रहे हैं और सब कुछ पैसा दें, सब काम होगा।